हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे ये उम्मीद करती हूँ। और आप लोग अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और जो आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो है फ्रेंड्स इनफ्लोरेसेंस। और लीफ तक हमने कवर कर लिया था, तो मेरे सारे लेक्चर्स आप यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। रूही एडुकेटर मेरे चैनल का नाम है और रूही मेरा नाम है, जो मैं आपकी टीचर हूँ फ्रेंड। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लेती हूँ। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर इनफ्लोरेसेंस क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, अ मेंटम कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड। तो ये पूछा गया है कि अमेंटम या कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए मलबेरी, ऑप्शन ए है मलबेरी, बी पॉपुलस, सी एकेलाइफा जिसको हम लोग कैट्स टेल कहते हैं, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम लोग कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो आपको पता होगा कि जो कैटकिन होता है उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ हैंगिंग आपका जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसे हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे कि आपने शहतूत देखा होगा तो इसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ जो फ्लावर होता है ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हैंगिंग होता है। और इसमें क्या होते हैं, यूनिसेक्चुअल स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या पाया जाएगा, यहाँ पर पाया जाएगा आपका जो यूनिसेक्चुअल स्पाइक। तो देखिए अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ लिख करके। ये देखिए, ये यूनिसेक्चुअल यानी सिर्फ एक सेक्स होगा और स्पाइक होगा, ठीक है। यूनिसेक्चुअल स्पाइक फ्लावर पाए जाते हैं इसमें। तो और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, जो कैटकिंग होता है उसका जो एग्जांपल है वो मॉरस यानी मलबेरी जो आपका दिया हुआ है। इसके अलावा इसके एग्जांपल में फ्रेंड्स सेलिक्स भी होता है, जिसको हम लोग विलो कहते हैं, जिसकी वुड को बैट बनाने में यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा। और जो यहाँ पे सेलिक्स और विलो के अलावा पॉपुलस, ठीक है, जो पॉपुलस भी दिया हुआ है पॉपुलर। और यहाँ पे एक बैटुला होता है, बैटुला जिसको बर्च भी कहते हैं, बैटुला, बैटुला में भी कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है फ्रेंड्स। सब कुछ आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। इसके अलावा क्वेरकस, क्वेरकस जिसको हम लोग क्वेरकस सुबर कहते हैं, ठीक है, क्वेरकस का जो प्लांट होता है उसमें भी पाया जाता है। देखिए यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्वेरकस, ओके, जिसको ओक भी कहते हैं, क्वेरकस में भी ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन में कितने सारी चीज़ें पॉइंट आपको क्लियर हो गए, इसलिए मैं बार बार फोकस करती हूँ, बार बार आप लोगों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एमसीक्यूज़ वाले जितने भी लेक्चर हैं वो मेरे ज़रूर देखिएगा। और कहीं से भी आपको एमसीक्यू मिले तो उसे सॉल्व ज़रूर करिएगा। वैसे तो मैं अपने सारे जितने भी लेक्चर हैं, जितना भी आपका चैप्टर है, एक भी चैप्टर आपका मिस नहीं होगा, मैं सबके एमसीक्यूज़ डालूंगी जो भी मेरे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आपने देख लिया कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास वन है उसका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मलबेरी, पॉपुलस एंड एकेलिफा, कैट्स टेल्स, चारों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनफ्लोरेसेंस इन म्यूसा पैराडेसिका, ओके, बनाना। यहाँ पे म्यूसा आपको पता है बनाना का नाम होता है, बोटानिकल नेम ऑफ बनाना इज म्यूसा। तो यहाँ पे उसमें कौन सा पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस। ऑप्शन ए है रेसीम, बी कैटकिन, सी स्पैडिक्स एंड डी वर्टिसिलास्टर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो आपको वैसे पता भी होगा ये बहुत फेमस इन्फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो टू का जो हमारे पास सी हो जाएगा यानी स्पैडिक्स, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे पास बनाना में स्पैडिक्स होता है, ठीक है, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस होता है। स्पैडिक्स के बारे में आप देख लीजिए, जो स्पैडिक्स होता है उसमें क्या होता है, एक फ्लैशी स्पाइक होती है, ठीक है, गूदेदार या फ्लैशी, और वो क्या होती है, वो जो है स्पेथ से कवर होती है, ठीक है, स्पेथ भी इसका एक पार्ट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, स्पेथ से कवर होती है। कुछ इस तरीके का आपने पिंक या पर्पल, लाइट पर्पल मजेंटा टाइप का देखा होगा, केले का फूल और केला सभी ने देखा है, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिकल को समझना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड्स, और अगर आपके आसपास कहीं होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका कवर टाइप का भी होता है, ठीक है। तो इसमें इसको स्पेथ कहते हैं, और स्पूरे को क्या कहते हैं, यानी कि जो स्पाइक और स्पेथ, यानी स्पाइक जो कवर्ड होते हैं स्पेथ से, स्पाइक प्लस स्पेथ, इन दोनों को मिला करके फिर ये जो इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है इसको कहते हैं स्पैडिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो गया है वो स्पैडिक्स का, वो बनाना है, उसका ऑप्शन स्पैडिक्स करेक्ट हो गया। एक मैं आपको और एग्जांपल बता रही हूँ बोनस में, देखिए उसका जो एग्जांपल है, आप मेज़ याद रखिएगा, मेज़ में भी कौन सा इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस होता है, बिल्कुल, दो आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्फ्लोरेसेंस विद यूनिसेक्चुअल सेसाइल फ्लावर इज। तो आपको पता है सेसाइल फ्लावर क्या होते हैं,
ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सेसाइल जो सेसाइल फ्लावर होते हैं, सॉरी, इसमें क्या होता है, स्टॉक नहीं होता है, ठीक है, तो ये इसमें स्टॉक नहीं होता है, स्टॉकलेस होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है ये है स्पाइक और बी है स्पाइकलेट, सी कैटकिन एंड डी है स्पैडिक्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास थर्ड का जो ऑप्शन करेक्ट होने जा रहा है वो हमारे पास सी करेक्ट होने जा रहा है, यानी कि कैटकिन। तो फ्रेंड अभी आप अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखिए, ये मार्च के मंथ में बहुत सारा, मतलब आपने शहतूत देखा होगा क्योंकि हर पार्क में, मतलब जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मैंने पार्क में बहुत सारे देखे शहतूत, और मेरे जहाँ पे घर है वहाँ पे बिल्कुल पास में ही लगा हुआ है, तो मैंने तो खुद रियल में इसको देखा कि कैसे लगे होते हैं। तो देखिए इसमें आपको पता होगा शहतूत में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, जिसमें बहुत सारे इस तरीके से मतलब हर एक क्या होता है, एक फ्लावर होता है और ये पूरा इनफ्लोरेसेंस होता है, इस तरीके से बना होता है। और ये चूंकि इसमें स्टॉक नहीं होती, स्टॉक समझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ये कोई स्ट्रक्चर है तो इसमें छोटी सी स्टॉक निकलती है, तो यहाँ पे ये सारे सेसाइल होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे हमारे पास कैटकिन यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो फोर है यहाँ पे, इन्फ्लोरेसेंस इज एडिबल इन ब्रैसिका ओलेरेसिया। तो देखिए ब्रैसिका ओलेरेसिया, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है वॉर बोट्राइटिस एंड बी है वॉर कैपिटेट, सी है वॉर गोंगाइलॉइड्स एंड डी है यहाँ पे वॉर जेमीफेरा। जब भी हम गोभियों की बात करते हैं फ्रेंड्स, चाहे वो गांठ गोभी हो, चाहे वो पात गोभी हो, चाहे वो फूल गोभी हो, ठीक है, चाहे वो ब्रोकली टाइप का हो कुछ, तो इन सब में आप जो बोटानिकल नेम इसका देखेंगे, बायोलॉजिकल नेम, इसमें वार वार ज़रूर लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर का है उसका ऑप्शन है ए यानी कि वॉर बोट्राइटिस। तो आपको पता है कि इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो पूरा एडिबल, वो एडिबल होता है इसका, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन फाइव। क्वेश्चन फाइव है द फ्लोरल फार्मूला ऑफ द गिवन फ्लोरल डायग्राम इज। तो यहाँ पे जो फ्लोरल फार्मूला है वो डायग्राम का वो आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए है वो बी आर जो ब्रैक्टेट के लिए यूज़ होता है, के पेपस, फिर सी यानी कि कैलिक्स, जो कॉरोला है आपका वो फाइव है और ब्रैकेट में है, और एंड्रोशियम जो है वो ज़ीरो है, और गायनोशियम जो है वो भी बाइकार्पलेरी है यानी ब्रैकेट में है और उसके ऊपर एक लाइन है, तो उसका क्या मतलब हुआ, इन्फीरियर या सुपीरियर, ये आप बताएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहली बात तो चार ऑप्शन, जितने भी यहाँ पे फाइव ऑप्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि ये पैपस 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 दिया हुआ है। तो जो पैपस होता है फ्रेंड्स ये कंपोजिटी फैमिली का एक फीचर होता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब यहाँ पे फैमिली जो है वो कंपोजिटी है, लेकिन इसमें जो आप डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जो ऑप्शन बी है इसमें मोनोकार्प ले रही है, ठीक है, बाकी में आपका बाईकार्प ले रही है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, अब मैं जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सीधे ही बता देती हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करूँगी। तो जो फाइव का है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिएगा इसमें ये क्या होगा, ब्रैक्टेट होगा, ठीक है, ब्रैक्ट्स हैं इसमें, बिल्कुल आप देख सकते हैं ब्रैक्टिएट है। और उसके बाद जो ये एक फीमेल फ्लावर है, ठीक है, फीमेल फ्लावर है, इसमें जो कैलिक्स है वो फाइव है, पेपस है, और जो कोरोला है वो भी फाइव है, एंड्रोशियम है वो भी फाइव है, गाइनोशियम ये बाइगार्पलेरी है, ठीक है। और चलिए यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइव के बाद सिक्स देख लेते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का सिक्स क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट ऑब्जर्व 34 इन्फ्लोरेंसेस इन बोगनवेलिया एंड 42 इन्फ्लोरेसेंस इन पॉइंसेटिया, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्लावर इन बोगनवेलिया एंड द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन पॉइंसेटिया रिस्पेक्टिवली। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर देखिए फ्रेंड सबसे पहली बात, अगर आप कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन करते हैं उससे बहुत सारी आपका जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती हैं, आपका दिमाग बिल्कुल ओपन हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने ऑब्जर्व किया, उसने बोगनवेलिया का जब इन्फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व किया तो उसके नंबर थे 34, ठीक है, और उसने पॉइंसेशिया का इन्फ्लोरेसेंस जो देखा उसमें 42 था। तो ये बताना है कि नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितने हैं बोगनवेलिया में और नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर पॉइंसेशिया में कितने हैं, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हमारे पास सिक्स का डी हो जाएगा, ठीक है, सिक्स का यहाँ पे डी हो जाएगा यानी कि 102 एंड 42।
तो चलिए यहाँ पे आपका जो पॉइंट सेशिया है उसमें आपका 42 हो जाएगा फीमेल फ्लावर, और जो जो आपका बोगनवेलिया है उसमें जो नंबर ऑफ़ फ्लावर्स हो जाएंगे वो 102 हो जाएंगे। आप फ्रेंड्स बोगनवेलिया का फ्लावर देखिएगा, आपको बाहर की तरफ कलर्ड स्ट्रक्चर एक मिलेगा, उसके अंदर छोटा सा वाइट फ्लावर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सेवन की तरफ। सेवन है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली कंपोजिटिव फ्रॉम फ्लावर इज, तो अब यहाँ पे फैमिली कंपोजिट का है तो ऑप्शन ए कैपिटुलम, बी है साइमोज हेड एंड सी कैटकिन एंड डी है स्पैडिक्स। तो सेवन का यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स वो आप लोग समझ ही चुके होंगे अभी तक। तो जो सेवन है, सेवन का हमारे पास ऑप्शन ए बिल्कुल कैपिटुलम बहुत फेमस है, ये जो है आपका बहुत ही फेमस है और ये कंपोजिटिव फैमिली में कैपिटुलम पाया जाता है। ठीक है, हेड कैपिटुलम। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटलम के बारे में थोड़ा बहुत बात अगर करूँ तो ये जो है वो आपका जो ये मिलता है वो किस में मिलता है, ये मिलता है जैसे कि हमारे सनफ्लावर है कंपोजिटिव का मेंबर है तो सनफ्लावर में ये मिलता है। अब आपको पता है दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो डिस्क पे लगे होते हैं, जैसे अगर अगर हम लोग गेंदा या मैरी गोल्ड की बात करें ये भी कंपोजिटिव का है, तो क्या होता है एक तो जो है डिस्क में यानी कि बीच में लगे होते हैं फ्लावर उनको देखिए, और बाकी जो जो बाहर की तरफ थोड़े बड़े बड़े इलांगेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे एक डिस्क पे लगा रहेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, बहुत ज़्यादा डेंस होता है ऐसे आपने देखा होगा और सभी ने देखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और दूसरा रहता है थोड़ा सा इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बड़े बड़े से इसके फ्लोरेट्स होते हैं जिनको हम लोग रे फ्लोरेट्स कहते हैं, एक डिस्क फ्लोरेट होता है एक रे फ्लोरेट होता है, तो इस तरीके का आपको आपने देखा होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, कॉलीफ्लावर जो होता है आपको पता है फूल गोभी होती है, उसमें खाने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है। तो देखिए ए यहाँ पे मीजोकार्प है, बी कोटिलेडन्स है, सी एंडोस्पर्म है एंड डी इन्फ्लोरेसेंस। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एट है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी इन्फ्लोरेसेंस, यानी कॉलीफ्लावर जो है वो उसका पूरा इन्फ्लोरेसेंस खाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे नाइन्थ क्वेश्चन लेते हैं। दी स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन, द स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फाइकस वेयर द फीमेल फ्लावर आर एट बॉटम एंड मेल फ्लावर नियर ऑस्टियोल एंड इनक्लोज्ड विद अ कप शेप्ड फ्लेशी थैलमस विद ओस्टियोल इज कॉल्ड। देखिए फ्रेंड्स पूरा फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस का पूरा स्ट्रक्चर बताया हुआ है, देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन, इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर बता दिया है और आपको इस इन्फ्लोरेसेंस पहचानना है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी में आता है और आपको पता है कि स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस में कुछ ही इन्फ्लोरेसेंस आते हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस फाउंड इन फाइकस, फाइकस में पाया जाता है, फाइकस बंगालेंसिस आपने सुना होगा। ठीक है, फिग है उसका फ्रूट, फाइकस में पाया जाता है या फाइकस भी है उसका। तो चलिए, और जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो बॉटम पे होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं वो ओस्टियोलिन जो छेद टाइप का होता है उसका स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से होता है फ्रेंड्स, ऐसे देखिए। हाँ, पेड़ पे आपने देखा होगा बहुत सारे, बरगद का पेड़ पे भी जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो ओस्टियोल यानी छेद होता है उसके पास क्या होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं और ये जो है कप शेप्ड, ठीक है, कप शेप्ड फ्लेशी थैलमस जिसको इस रिसेप्टिकल कहते हैं उससे क्या होता है पूरा बंद रहता है, इनक्लोज रहता है, ये पूरा जो बाहर का पोर्शन होता है फ्रेंड्स, ये सब बाहर का जो पोर्शन होता है ये कैसा होता है, फ्लेशी होता है। तो इस ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपको अब समझ में आ चुका होगा कि नाइन्थ का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया है। नाइन्थ का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, हाइपेनथोडियम आप सभी को पता है फिग में, अंजीर में और फाइकस में, ये सब में क्या होता है, ये जो है हाइपेनथोडियम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ जाते हैं। सी दी फॉलोइंग डायग्राम्स एंड आइडेंटिफाई इन्फ्लोरेसेंस ए एंड बी। अब यहाँ पे देखिए डायग्राम है, उसमें इन्फ्लोरेसेंस ए और बी को बताना था फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा कि ऑप्शन ए है हमारे पास साइमोस, बी है साइमोस, बी है आपका बी के ऑप्शन में ए रेसिमोस रेसिमोस एंड सी है ए रेसिमोस, बी साइमोस एंड डी है ए साइमोस एंड बी रेसिमोस। तो चलिए यहाँ पर आपको रेसिमोस और साइमोस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं। जो अब क्या होता है फ्रेंड, जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें आपको पता होता है कि इसमें क्या होती है, इनडिफिनिट या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। ठीक है, और ये लेटरल या एक्सिलरी जो फ्लावर होते हैं उसमें सबसे पहले जो बेस पर होते हैं वो
यानी अगर हम एक ब्रांच बनाएं तो बेस पे आपके कैसे फ्लावर होंगे, बेस पर आपके ओल्ड यानी पुराने फ्लावर्स होते हैं और बड़े होते हैं, अगर क्योंकि पुराना होता है तो बड़ा हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं वो फ्लावर्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो स्मॉल साइज़ के हो जाते हैं, ठीक है। ये फ्लावर जो है स्मॉल साइज़ के, यानी कि बेस की तरफ या बेस की तरफ आपके जो फ्लावर होते हैं वो ओल्ड होते हैं, ठीक है, ओल्ड फ्लावर होते हैं, और यहाँ पे यंग होते हैं या न्यू फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, ये हमने बताया रेसिमोस के बारे में। अच्छा, अगर अब हम लोग साइमोस के बारे में बात करें तो एक बार फिर रिवाइज़ कर लेते हैं। जो साइमोस होता है उसमें क्या होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसकी ग्रोथ डिटरमाइंड होती है या डेफिनेट ग्रोथ होती है, ठीक है। कैसी होती है? डेफिनेट ग्रोथ होती है साइमोस में। और जो है ये इन और जहाँ रेसिमोज में इनडेफिनिट हो रही थी, और जो सेंट्रल फ्लावर होता है यानी जो बीच का फ्लावर होता है वो सबसे पहले ओपन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड अब यहाँ पर देख लीजिए, अच्छा साइमोज में रेसिमोज का उल्टा होता है, टॉप की तरफ आपके जो है वो ओल्ड होते हैं, नीचे की तरफ यंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वो 10 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन सी, बिल्कुल रेसिमोस एंड साइमोस। देखिए यहाँ पे कहा गया है ना, ये सेंटर का फ्लावर पहले ओपन होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन 11 है, एग्जामिन दी टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन शोन इन दी फॉलोइंग डायग्राम एंड सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को रिवाइज कराया जा रहा है क्या, एस्टिवेशंस, ठीक है। एस्टिवेशन रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, तो ए बी सी डी यहाँ पे 4 दिया हुआ है, और ये आप लोगों ने पढ़ाई है तो आप लोगों को लर्न हो गया होगा ये। और यहाँ पे मैं सीधे इसका आंसर बताऊंगी, वो है डी। देखिए जब भी टच करते हैं एक दूसरे को, ये जो आपका जो भी आपका एस्टिवेशन बनाया, जैसे कि मान लीजिए इसमें आपको कैलिक्स का अरेंजमेंट देखना है, करोला का अरेंजमेंट देखना है, तो क्या होता है अगर टच कर रहे होते हैं तो उसको कहते हैं वेलवेट, ठीक है। और ट्विस्ट मतलब कोई भी चीज़ को आप मोड़ देते हैं, ऐंठ देते हैं। तो देखिए एक के ऊपर एक जब हो जाता है बी वाला, देखिए तो उसमें क्या हो गया है, ट्विस्टेड हो गया है, ठीक। इम्ब्रिकेट में आप याद करिएगा, एक जो है वो पूरा बाहर होता है और एक पूरा अंदर होता है, तो ये इम्ब्रिकेट हो गया, यही इसकी पहचान है। और डी तो आप पता ही कर लेंगे, पैप्लियोनेशियस होता है। अगर हम लोग करोला की बात करें तो पैप्लियोनेशियस करोला है ये, जिसमें कि आपका जो है जो मटर में या पी में मिलता है, बहुत फेमस है फैमिली पैप्लियोनेसी का, लेग्यूमिनेसी का ये फीचर है। इसको हम लोग वैक्सिलरी बोलते हैं, वैक्सिलरी है ये, ठीक है। वैक्सिलम होता है, कील होता है इसमें, ठीक है, विंग्स होते हैं। चलिए नाउ अब यहाँ पे हम लोग यहीं पे फ्लावर का स्टार्ट हो चुका है, तो फ्लावर में हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्लावर में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म इज, ऑप्शन ए फ्लावर, बी है रूट, सी सीड एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग किस टाइप के प्लांट्स भी बोलते हैं, उनको हम लोग फ्लावरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें फ्लावर ज़रूर होता है। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ब्यूटी ऑफ बोगनवेलिया फ्लावर इज़ ड्यू टू। अब ब्यूटी देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि आप अपने यहाँ बोगनवेलिया ज़रूर देखिएगा, उसमें बाहर की तरफ एक कलर्ड स्ट्रक्चर होता है और अंदर की तरफ फ्लावर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, ऑप्शन ए कोरोला, बी कैलिक्स एंड सी ब्रैक्ट्स एंड डी एंड्रोशियम। तो वही पूछा है कि जो कलर्ड स्ट्रक्चर आप देखते हैं, रंगीन जो भाग होता है जिसकी वजह से वो खूबसूरत लगते हैं, वो क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 का जो है वो सी, यानी कि वो ब्रैक्ट्स होते हैं, और ब्रैक्ट्स इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होते हैं उसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, स्टेमेंस अटैच टू पेटल्स। ये कहा गया है कि जब स्टेमेंस पेटल से अटैच्ड हो जाएंगे तो उनको क्या बोला जाता है। अब ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास, ये थोड़ा हाइड हो जा रहा है अभी मैं करूँगी इसे, एंटीपिटेलस, बी है एपिपिटेलस एंड सी है एपिफिलस एंड डी है एपिसिपेलस। तो देखिए यहाँ पे कहा है कि स्टेमेंस पेटल से अटैच हो गए हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो 3 का फ्रेंड्स बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 का बी, फ्रेंड्स यहाँ पे ये हाइड हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है? एपिपिटेलस, एपिपिटेलस है ये, एपिपिटेलस,
चलिए ये एपिपिटेलस हो गया। अब हम लोग अगर यहीं पे एक डायग्राम जो बना हुआ है फ्रंट साइड में उसको देखिए, ये जो ये कंडीशन इस तरीके की होती है, देखिए ये जो 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 आपके पेटल्स यानी कि जो कोरोला होते हैं, ठीक है, कोरोला क्या होता है, पेटल्स का अरेंजमेंट होता है ना, वो क्या होता है, वो एंड्रोशियम यानी स्टेमिन से अटैच्ड होता है। तो ये कौन सी कंडीशन है फ्रेंड्स, एपिपिटेलस कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास और क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ नेक्स्ट है हमारे पास ये, हम जो हम लोग फ्लावर का स्टार्ट किया हुआ है उसका जो फोर्थ क्वेश्चन है ये है हमारे पास, क्रूसी फ्रॉम कोरोला इज फाउंड इन ऑप्शन ए पी, बी चाइना रोज, सी रेडिश एंड डी है सनफ्लावर। इसमें पूछा है क्रूसी फॉर्म कोरोला किस में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए जो क्रूसी फॉर्म कोरोला है वो फैमिली कंपोजिटी का आपका फीचर होता है, ठीक है, कंपोजिटी फैमिली का फीचर होता है। आप इसके फ्लोरल डायग्राम में और फ्लोरल फार्मूला दोनों में देख सकते हैं। और कंपोजिटी का जो इसमें एग्जाम्पल है वो क्या है, सनफ्लावर, ठीक। तो नाउ यहाँ पे अब फोर्थ का डी बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, फ्लावर वाला हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं फ्रेंड्स, फ्लावर के क्वेश्चन सही हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा फोर का वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फोर का यहाँ पे हाँ ओके डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फ्रेंड्स सी रेडिश भी हो सकता है क्योंकि ये रेडिश में भी होता है क्रूसीफॉर्म कोरोला। एक फ्रेंड्स रुक गई, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया मुझे, यहाँ पे ये रेडिश ही करेक्ट होगा, ठीक है, और सनफ्लावर करेक्ट नहीं होगा, कंपोजिटी करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि मुझे अभी बिल्कुल याद आ गया मस्टर्ड का जो प्लांट है उसमें फैमिली जो ब्रैसिकेसी होती है और रेडिश भी उसी से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, हाँ पेपस वाला देखिएगा आप, पेपस इज मॉडिफिकेशन ऑफ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन ए है ब्रैक्ट है, बी ब्रैक्टियोल्स हैं एंड सी कोरोला है एंड डी कैलिक्स है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन का जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जो फाइव है फिफ्थ का हमारे पास डी हो जाएगा बिल्कुल। ये हाँ ये जो होता है वो पेपस जो होते हैं वो कैलिक्स के मॉडिफिकेशन होते हैं और जो अब जो पेपस है बिल फ्रेंड्स वो कंपोजिटी का होता है। देखिए पेपस वाला जो था कंपोजिटी का और क्रूसीफॉर्म में, वो मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था अभी तो, बट बाकी सब बिल्कुल क्लियर है। तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ। तो ग्लूम्स आर मॉडिफाइड, ग्लूम्स आर मॉडिफाइड ऑप्शन ए पेटल्स, बी ब्रैक्ट, सी गैनोशियम एंड डी एंड्रोशियम। तो यहाँ पे देखिए जो ग्लूम्स हैं उनके बारे में बात किया जा रहा है, यहाँ पे जो सिक्स वाला है वो उसका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स होते हैं, ड्राई और स्केली ब्रैक्ट्स होते हैं, ओके, और ये ग्रास फैमिली में पाए जाते हैं फ्रेंड्स, ओके ग्रास में, ये ग्रास फैमिली में पाए जाते हैं ग्लूम्स एंड ओके। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेवन है, पार्ट ऑफ पिस्टल विच रिसीव्स पोलन, पिस्टल का कौन सा पार्ट पोलन को रिसीव करता है यानी कि पोलन की जो लैंडिंग होती है वो कहाँ पर होती है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे ओवरी, बी स्टाइल एंड सी स्टिग्मा एंड डी है ओव्यूल। तो आप सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है ये और इसका जो सेवन का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी स्टिग्मा करेक्ट हो जाएगा। डी की तरफ बढ़ते हैं, दी पेरियंथ इज टर्म्ड यूज्ड व्हेन, पेरियंथ को कब यूज़ किया जाता है, अब देखिए पेरियंथ, ऑप्शन ए एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर सिमिलर, बी एंड्रोशियम एंड कैलिक्स आर सिमिलर, सी कोरोला एंड गायनोशियम आर सिमिलर एंड डी कैलिक्स एंड कोरोला आर सिमिलर। तो देखिए फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है ये। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, जब कैलिक्स और कोरोला एक जैसे हो जाते हैं मिल जाते हैं तो ये पेरियंथ बना लेते हैं, ठीक है। और पेरियंथ की जो एक यूनिट होती है इसको टेपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेपल बोलते हैं, लिलिएसी फैमिली में आपको मिलेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लार्ज फ्लावर इज दैट ऑफ, लार्जेस्ट फ्लावर इज दैट ऑफ, ऑप्शन ए सनफ्लावर, बी रेफ्लिशिया, सी नेलम्बो, डी ड्रोसेरा। ईजी है फ्रेंड्स, रेफ्लिशिया आपको पता है कि ये लार्जेस्ट फ्लावर होता है। डी है टेन है हमारे पास, फ्लावर्स ऑफ लिलिएसी मालवेसी एंड सोलनेसी आर। अब यहाँ पे देखिए लिलिएसी मालवेसी एंड सोलनेसी में पूछा है, ऑप्शन ए हाइपोगाइनस, बी पेरीगाइनस एंड सी है एपीगाइनस, डी एम्फीगाइनस। तो ये जो हमारे पास फैमिली है उसमें हमारे पास कौन सा फ्लावर होगा फ्रेंड्स, वो हमारे पास फ्लावर होगा हाइपोगाइनस, ओके।
फ्लावर जब हाइपोगाइनस है तो इंफीरियर जो ओवरी होगी फ्रेंड्स वो सुपीरियर होगी, ठीक है। गायनी यानी जो गायनोशियम है उसके नीचे से पार्ट निकल रहे हैं, तो जब गायनोशियम के नीचे से फ्लावर के पार्ट निकल रहे हैं कोई भी फ्लावर के पार्ट, तो जो ओवरी होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आपका ऑप्शन था वो ए करेक्ट हो चुका है, यानी कि एल एम एस ये जो फैमिली है इसमें कैसा फ्लावर पाया जाता है, हाइपोगाइनस फ्लावर पाया जाता है, ओवरी कैसी पाई जाती है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैराशूट लाइक पेपस इज फाउंड इन ऑप्शन ए लिलिएसी कॉटन, बी ग्रामिनी पैडी, सी कंपोजिटी मैरीगोल्ड एंड डी सोलनेसी कैलोट्रोपिस। तो अभी हमने पेपस पे क्वेश्चन किया है फ्रेंड्स, और अभी फिर से अलग वे में पूछा गया है ये, तो ये सी हो जाएगा, फैमिली कंपोजिटी मैरीगोल्ड। देन फ्रेंड्स यहाँ पे 12th का है, प्लांट्स विद सिंगल वर्ड वर्ल ऑफ पेरियंथ आर प्लेस्ड अंडर। तो अब देखिए यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, उसके बाद सब क्लास दिया हुआ है, तो इसमें पूछा गया है जो सिंगल वर्ल होता है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ सिर्फ एक वर्ल है, पेरियंथ पाया जाता है, जिसको मैं बात किया था कि सेपल और पेटल्स एक हो जाते हैं, सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैं सीधे ऑप्शन बता दे रही हूँ कि जो ऑप्शन है वो 12 का सी हो जाएगा, ठीक है, 12 का सी। तो अब यहाँ पे देखिए क्लास डाइकॉट सब क्लास मोनोक्लेमाइडी यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, और लिलिएसी। चलिए 13 है यहाँ पे फ्रेंड्स, सी फिगर ऑफ टिपिकल फ्लावर इन विच वन ऑफ द ऑप्शंस ऑल द फोर पार्ट्स ए बी सी डी आर करेक्टली आइडेंटिफाइड। देखिए फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप सभी लोगों को एक एंजियोस्पर्मिक फ्लावर का डायग्राम अच्छे से पता होगा, और चूंकि टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स तो ये पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो है वो 13 का ए हो जाएगा, ठीक है, 13 का ए हो जाएगा, यानी कि ए जो पार्ट है आपका यहाँ पे स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी किस में होती है, गायनोशियम में होती है, सिंपल। और यहाँ पे जो बी पार्ट है एंथर और फिलामेंट्स वो क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। फिर यहाँ पे जो सी पार्ट है वो ओवरी के अंदर क्या मिलता है हमको, ओव्यूल मिलता है, और डी जो है थैलमस, थैलमस जिसपे कि फ्लावर के पार्ट्स लगे होते हैं, फ्लावर लगा होता है, बेस जो होता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 14 की तरफ। 14 है हमारे पास, एन एपोकार्पस फ्लावर इज फाउंड इन, ओके, एपोकार्पस फ्लावर इज फाउंड इन ऑप्शन ए है सीजलपेनिया, बी रैरनक्यूलस, सी ब्रासिकेसी, डी दातूरा। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा एपोकार्पस फ्लावर का फ्रेंड्स, वो यहाँ पे देखिए 14 का हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा, 14 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी कि रैरनक्यूलस। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो आपको जो फ्लावर है इसमें जो एपोकार्पस फ्लावर है और जो यहाँ पे रैरनक्यूलस है वो एग्जाम्पल है हमारे पास। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, वो है हमारे पास 15th वाला, जिसमें कि हम लोग इन्फीरियर ओवरी की बात करने जा रहे हैं। इन्फीरियर ओवरी अकर्स इन ऑप्शन ए क्रूसीफेरी, बी कंपोजिटी, सी मालवेसी एंड डी रैरनक्यूलेसी। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए यहाँ पे किस फैमिली में इन्फीरियर ओवरी होगी, ठीक है, किस फैमिली में होगी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन जो है वो 15 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 15 का बी, यानी कि जो बी है कंपोजिटी उसमें ओवरी कैसी होती है, हाई ओवरी जो होती है वो इन्फीरियर होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और तो जो फ्लावर जो होगा वो क्या कहा जाएगा, जब ओवरी इन्फीरियर है तो जो फ्लावर होगा वो एपिगाइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन 16 है, द एक्सप्रेशन गायनोशियम इज एपोकार्पस इम्प्लाइज दैट गायनोशियम कंप्राइजेस ओनली वन पिस्टिल विच इज फ्यूज्ड विद द स्टेमन, बी गायनोशियम कंप्राइजेस मोर देन वन कार्पेल ऑल ऑफ विच आर फ्री, सी गायनोशियम कंप्राइजेस ओनली वन कार्पेल विच इज फ्री एंड डी गायनोशियम कंप्राइजेस मोर देन वन कार्पेल विच आर फ्यूज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, 16 का बी करेक्ट हो जाएगा, 16 का क्या करेक्ट हो जाएगा, बी, यानी गायनोशियम कंप्राइजेस मोर देन वन कार्पेल ऑल ऑफ
आर फ्री। अब जो गायनोशियम होता है उसमें एक से ज़्यादा कार्पेल होते हैं और जो क्या होते हैं सारे जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पर हम लोग अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो 17 क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, व्हेन प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज। ठीक है, जब प्लेसेंटा एक रिज फॉर्म करता है, व्हेन प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज अलोंग द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज द प्लेसेंटेशन इज टर्म्ड एज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अब जो ऑप्शन हो जाएगा वो 17 का सी यानी मार्जिनल प्लेसेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, 17 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और अगर मैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करूँ तो बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका मटर यानी कि पी। पी में आपने देखा होगा एक मार्जिन पर क्या होते हैं, ओव्यूल निकले होते हैं, यानी कि ये जो सीड आपका जो मटर के दाना है। ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, 18 की तरफ। द मोस्ट सूटेबल फ्लावर फॉर स्टडी ऑफ फ्लोरल पार्ट इज। अगर आपको फ्लोरल पार्ट्स की स्टडी करनी है तो आप सब कौन सा फ्लावर लेंगे, ऑप्शन ए रोज, बी सनफ्लावर, सी मस्टर्ड एंड डी क्यूकम्बर। तो फ्रेंड्स चलिए बताइए आप कौन सा फ्लावर लेना चाहते हैं जिसमें आप अच्छे से सारे पार्ट्स को स्टडी कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास 18 है उसका क्या हो जाएगा, सी। हाँ बिल्कुल सी हो जाएगा, मस्टर्ड का फ्लावर फ्रेंड्स होता तो छोटा है लेकिन उसमें आप सेपल और सेपल्स पेटल्स, ठीक है, और एंड्रोशियम गायनोशियम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, सारे फ्लोरल पार्ट्स की आप स्टडी कर सकते हैं, सूटेबल फ्लावर है। ठीक, और नाउ नेक्स्ट हम लोग बाकी सारे तो आप रोज़ का देख सकते हैं। ठीक है, रोज़ में आप इतना स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसके सेपल इसमें जो है क्या कहते हैं जो एंड्रोशियम गायनोशियम होता है इतना अच्छे से आप नहीं स्टडी कर सकते। और नाउ नेक्स्ट सन, जो सनफ्लावर है उसमें तो मैंने बताया था कि डिस्क फ्लोरेट और रे फ्लोरेट दो टाइप के फ्लोरेट होते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, और ये जो मस्टर्ड होता है वो बाइसेक्चुअल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओके नाउ 19 में हमारे पास है, लिगुलेट कोरोला फाउंड इन कंपोजिटी इज, ऑप्शन ए व्हील शेप्ड, बी है स्ट्रैप शेप्ड, सी मास्ड एंड डी है टू लिप्ड। तो लिगुलेट कोरोला क्या होता है फ्रेंड्स, तो आपको पता है 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो 19 है वहाँ पे हम लोग ये बी ऑप्शन को करेक्ट करने वाले हैं, देखिएगा ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो लिगुलेट कोरोला है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बी है, 20 मोनोडल्फस एंड्रोशियम अकर्स इन मोनोडल्फस, ऑप्शन ए पी, बी हिबिस्कस एंड सी ब्रैसिका, डी हेलियंथस। देखिए मोनोडल्फस को समझ लेते हैं फ्रेंड्स, मोनोडल्फस मतलब जब एंड्रोशियम जो होता है सिर्फ एक बंडल में होता है। ठीक है, जब एक बंडल में होता है और तो उसको मोनोडल्फस कहते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छा देख सकते हैं फैमिली मालवेसी जो है, मालवेसी में आपका जो गुड़हल है, गुड़हल में देखिएगा कुछ इस तरीके का ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ऐसे 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 यहाँ पे आपके स्टेमेंस लगे होते हैं। उसके बाद जो आपका डायोडल्फस होता है उसमें टू बंडल्स में होता है। ओके, तो पॉलीडल्फस में बहुत सारे होते हैं, तो मोनोडल्फस का पूछा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ऑप्शन कौन सा ले लेंगे, बी यानी कि हिबिस्कस। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का नाम है और इसका चाइना फ्लावर या शू फ्लावर भी नेम होता है। तो चलिए यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन 21 है फ्रेंड्स, वर्सटाइल एंथर इज अटैच टू फिलामेंट। अब वर्सटाइल एंथर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एट टॉप फर्मली, और उसके बाद आपका है हाँ यहाँ पे एट बेस फर्मली, पहले था एट टॉप फर्मली, बी एट बेस फर्मली एंड उसके बाद सी ऑप्शन थ्रू आउट लेंथ, डी अबाउट मिडल ऑफ कनेक्टिव अलाउइंग फ्री मूवमेंट। तो अब बताइए वर्सटाइल एंथर किस टाइप का होता है, और इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 21 का वो यहाँ पे करेक्ट होने वाला है ए। ठीक है, ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास जो वर्सेटाइल होता है उसमें क्या होता है, वो टॉप पे जो है एंथर जो होता है वो फर्मली अटैच रहता है, हिलता डुलता नहीं है। ओके, वो लूज़ नहीं होता है तो वो हिलता भी नहीं है। बाकी कुछ आपने देखे होंगे जो ऐसे होते हैं जब आप टच करेंगे तो वो एक तरफ डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, व्हेन मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड इनक्लोजिंग ओवरी कम्प्लीटली।
एंड गेटिंग फ्यूज विद इट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी द फ्लावर इज सेट टू। कहा जा रहा है कि जो थैलमस का जो मार्जिन है वो ग्रो करता है, अपवर्ड ग्रो करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ठीक है, और ओवरी को पूरा कम्प्लीटली जो है वो इनक्लोज कर लेता है, फ्यूज हो जाता है, और जो सारे पार्ट्स होते हैं वो जो फ्लावर के दूसरे पार्ट जैसे कि सेपल है, पेटल्स हैं, ये सारे कहाँ निकलते हैं, वो ओवरी के ऊपर से निकलते हैं। तो इस तरीके के फ्लावर को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स चलिए बताइए, इस तरह का जो फ्लावर का क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एपिगाइनस। ठीक है, जब फ्लावर के पार्ट ओवरी से गायनोशियम से ऊपर से निकलते हैं तो एपिगाइनस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्मॉलेस्ट फ्लावर बिलोंग्स टू ऑप्शन ए रोजा इंडिका, बी वोल्फिया माइक्रोस्कोपिका, सी रैनक्यूलस एंड डी है आपका कोलोकेसिया एंटिक्योरम। तो क्वेश्चन 23 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी वोल्फिया। आपको पता है वोल्फिया का जो फ्लावर होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। क्वेश्चन 24, ऑब्लिक सेप्टम एंड सोलन प्लेसेंटा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। देखिए ऑब्लिक सेप्टम वाला क्वेश्चन भी पीजीटी में या किसी न किसी एग्जाम में आता ज़रूर है फ्रेंड्स, ये अच्छा होता है। ऑब्लिक सेप्टम एंड सोलन प्लेसेंटा, ऑप्शन ए ग्लोरियसा सुपरबा, बी कैप्सिकम फ्रूटेसेंस, सी एल्थिया रोजिया एंड डी डेलबर्जिया सीसू। देखिए यहाँ पे फैमिली का नाम नहीं दिया है फ्रेंड्स, फैमिली के मेंबर का नाम दिया है, ठीक है, तो आपको फैमिली तो पढ़नी ही है और उसके एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं। तो 24 का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, यहाँ पे आपका जो 24 है उसका ए हो जाएगा। ये देखिए ग्लोरियोसा सुपरबा इसमें होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे 25, प्लांट्स हैविंग फ्लावर विद फ्री पेटल्स आर प्लेस्ड अंडर। ऐसे प्लांट्स जिनमें जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, फ्यूज्ड नहीं होते हैं, ऑप्शन ए पॉलीपिटेली, बी मोनोकॉटिलेडोनस एंड सी गैमोपिटेली, डी मोनोक्लेमाइडी। 25th का ऑप्शन करेक्ट होगा ए, यानी कि पॉलीपिटेली। तो यहाँ पे देख लेते हैं 25th का कौन सा करेक्ट होने जा रहा है, एक मिनट वेट करिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे 25th का पॉलीपिटेली हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26th आ गया हमारे पास, 26 है गायनोशियम इज फ्यूज्ड विद फ्यूज्ड कार्पल, गायनोशियम विद फ्यूज्ड कार्पल, ऑप्शन ए सिनकार्पस, बी एपोकार्पस, सी साइनजेंसियम, डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको बताना है कि जो गायनोशियम जिसके कार्पल फ्यूज्ड होंगे उसको क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा ए, यानी कि सिनकार्पस, इसको क्या कहेंगे, ये देखिए यहाँ पे 26 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए हो जाएगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास आने जा रहा है 27 में हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द टर्म एंथेसिस इज यूज्ड फॉर, एंथेसिस का को कब यूज़ करते हैं, ठीक है, किस लिए यूज़ होता है टर्म, ए क्लस्टर ऑफ एंथर्स, बी ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, सी डेहिसेंस ऑफ एंथर्स एंड डी फॉलिंग ऑफ फ्लावर्स। तो 27 का यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होने जा रहा है बी ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर की ओपनिंग को एंथेसिस टर्म दिया गया है। 28 अ मोनोकार्पिक प्लांट इज वन विच, कहा गया है मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है, हैज़ ओनली वन कार्पेल, बी फ्लावर्स वंस इन अ लाइफ टाइम, सी प्रोड्यूसेस ओनली वन सीड, डी प्रोड्यूसेस ओनली वन फ्रूट। तो बताना है फ्रेंड्स यहाँ पे जो 28 है उसका जो ऑप्शन हो जाएगा मोनोकार्पिक का क्या हो जाएगा, मोनोकार्पिक का ऑप्शन हो जाएगा जिसमें एक कार्पल होगा, यानी कि हैज ओनली वन कार्पल। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास 29 है द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, द टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इन विच ओवरी इज सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर एंड ओव्यूल्स ऑन सूचर इज कॉल्ड। एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें सिनकार्पस ओवरी है और वो यूनिलोक्यूलर है, एक ही ओक्यूल है, और जो ओव्यूल्स हैं वो सूचर पे प्रेजेंट हैं, उसको क्या कहते हैं, ऑप्शन ए मार्जिनल प्रेजेंटेशन, बी एपिकल प्रेजेंटेशन, सी पेरियाइटल प्रेजेंटेशन, डी सुपरफिशियल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो 29 है फ्रेंड्स उसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे हमारे पास 29 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इसको कहेंगे पेरियाइटल प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच करना है फ्रेंड्स, देख लीजिए कॉलम 1 2 3 है,
ओके तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए कॉलम वन में दिया हुआ मार्जिनल एक्साइल पेराइटल फ्री सेंट्रल एंड फिर ई है बेसल, फिर कॉलम टू में उसकी पिक्चर्स दे रखी हैं फ्रेंड्स, एंड फिर जो थर्ड वाला है उसमें सन एग्जांपल दे रखा है यानी कि सनफ्लावर मैरीगोल्ड डायंथस प्रिमोज एंड सी मस्टर्ड एर्जिमोन, एंड फोर है चाइना रोज टोमेटो लेमन, एंड फाइव का जो है वो पीएम। तो फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक साथ इतनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं यहाँ पे, तो देखते रहिए आप लोग। तो मैं यहाँ पे आपको सीधे आंसर बताने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका 30 है और इसका जो आंसर है वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा करेक्ट, आप लोग तब तब सोचिए कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए हम थोड़ा थोड़ा मैच करने के लिए कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, ए का फिफ्थ होगा, ठीक है। मार्जिनल प्रेजेंटेशन है जो पी में पाया जाता है, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप इसका ये जो आप एक पिक्चर देख रहे हैं ये फ्री सेंट्रल वाला, ये यहीं पे सामने आप देख लीजिए, यानी कि डी का फोर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्राई करिए, और मैं आपको ऑप्शन तो बता ही चुकी हूँ, डी वाला देख लीजिए, यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके ए का फाइव है जो मैंने अभी बताया था, देन उसके बाद एक्साइल का यहाँ पे यानी कि बी का टू होगा, एंड उसके बाद देन आपका जो फोर है और यहाँ से आपका एग्जांपल फोर हो जाएगा, देन सी का यानी पेरिटल का यहाँ पे वन होगा। डायग्राम देखिए ओव्यूल्स कैसे प्लेस्ड हैं यहाँ पे, ठीक है, यूनिलोक्यूलर है ओव्यूल्स आपके साइड साइड में मार्जिन पे प्लेस्ड हैं, और यहाँ पे जो सी का पहली बात तो वन हो गया, एंड जो इसका एग्जांपल होगा ये मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, मस्टर्ड है इट मींस की फैमिली ब्रैसिकेसी है, ब्रैसिका कंपेस्ट्रिस इसका नेम है, इसमें बाज उसमें पेराइटल प्रेजेंटेशन पाया जा रहा है। तो देन उसके बाद हम लोग डी यानी कि प्री सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पे डी जो होगा ये यहाँ पे थ्री हो जाएगा, ओके, यानी प्री सेंट्रल, और यहाँ पे जो इसका एग्जांपल हो जाएगा डायंथस एंड प्रिमरोज हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो ई है ई वाला, ई वाले का यहाँ पे फोर हो जाएगा और ऑप्शन यहाँ पे वन हो जाएगा, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। फ्रेंड्स ये बेसल वाला जो है आप प्लीज़ एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसका जो डायग्राम है ये कंफ्यूजिंग लगता है। ये फ्री सेंट्रल में आपका जो होगा वो बिल्कुल सेंटर में होंगे, सेंट्रल से टर्म आप याद रख लीजिएगा, सेंटर में होगा और उसी पे व्यू लगे होंगे, और जो बेसल में होगा इस तरीके से डिज़ाइन वाला होगा, ठीक है। ये जो है मुझे कंफ्यूज़ कर देता है, तो ये डिज़ाइन वाला हो जाएगा, डिज़ाइन वाला बेसल वाला हो जाएगा, और एग्जाम्पल आपका सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देख लेते हैं कौन सा है। तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ फ्लावर फेसिंग, द साइड ऑफ फ्लावर फेसिंग द मदर एक्सिस इज कॉल्ड, ऐसा फ्लावर जो मदर एक्सिस को फेस करता है क्या कहते हैं, उस साइड को क्या कहते हैं, फ्लावर के उस साइड को क्या बोलेंगे, मतलब जो मदर एक्सिस की तरफ होगा। ऑप्शन ए एंटीरियर साइड, बी पोस्टीरियर साइड, सी डॉर्सल साइड, एंड डी है आपका वेंट्रल साइड। तो चलिए आप याद रखिएगा कि फ्लावर का ऐसा फेस जो मदर एक्सिस की तरफ होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर साइड, यानी जो पोस्टीरियर साइड होता है वो मदर एक्सिस की तरफ होता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 32 फेदरी या हेयर, दिस केम बैक फ्रॉम अ सर्च सॉरी। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आपका आ गया फेदरी और हेयरी स्टाइल इज परसिस्टेंट इन, ऑप्शन ए सोलेनम, बी क्लीमेटिस, सी हेलियंथस, एंड डी हिबिस्कस। तो आप इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेदरी हेयरी स्टाइल वाला, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है उसका जो बी ऑप्शन हो जाएगा यानी क्लीमेटिस इसमें प्रेजेंट होता है ये, तो यहाँ पे हमारे पास बी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लीमेटिस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 की तरफ, और ये लास्ट है इसका आज का क्वेश्चन हमारे पास, दिन आगे हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे, तो नेक्स्ट कल यानी कि कल या जो भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा। इन अ मोनोशियस प्लांट, इन अ मोनोशियस प्लांट, मोनोशियस प्लांट में क्या होगा, ऑप्शन ए मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, फिर बी है हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप्स, सी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन द सेम इंडिविजुअल्स, एंड डी ऑल दी स्टेमेंस आर फ्यूज टू फॉर्म वन यूनिट। तो देखिए फ्रेंड्स
आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, उसके बाद फिर मैं सीड्स एंड फ्रूट्स कराऊंगी आपको, इसी के आगे करवाऊंगी। और फ्रेंड्स देखिए, जितना भी आज का क्वेश्चन है सब सारे क्वेश्चन अच्छे थे, एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो फ्रेंड्स, लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा स्प्रेड करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। आप लोग सेफ रहिएगा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और जो इसका आंसर है वो तो बता दूं, जो इसका आंसर है वो इजी है, वो ये है आपका सी वाला, यानी कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर ऑन द सेम इंडिविजुअल। सबको पता है मोनोशियस में एक ही इंडिविजुअल पे दोनों ऑर्गन्स होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लगा आपको पढ़ा करके, और आप लोग भी लाइक करिएगा, सपोर्ट करिएगा मुझे। थैंक यू सो मच।